तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन के भी स्पीकर की आवाज़ काफ़ी कम है और आप अपने फ़ोन की स्पीकर की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जो फ़ोन की स्पीकर हैं उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ बजे, जैसा कि हो सकता है कि आपके किसी दोस्तों के पास फ़ोन हो, जब वो कोई यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, गाना सुनते हैं, तो काफ़ी तेज़ी से आवाज़ बजती है और आप जब प्ले करते हैं तो पता चला आपको ही नहीं सुनाई देता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन में इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और अपने फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ को बिल्कुल साउंड जैसी कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको आपके फ़ोन की 4 सेटिंग्स बताएंगे और इन 4 सेटिंग्स की मदद से दोस्तों आप अपने फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से एंड तक ज़रूर देखना, वरना अगर आप दोस्तों वीडियो बीच में छोड़ देंगे फिर आप कमेंट करेंगे ट्रिक वर्क नहीं कर रही है, तो फिर दोस्तों आपकी ट्रिक वर्क नहीं करेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोग इस बटन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब पर प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बॉक्स में आपको एक अच्छी सी कमेंट लिख देनी है, आपको नाइस ट्रिक नाइस वीडियो लिख के सेंड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, अपने फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ को बढ़ाने के लिए अब आपको अपने फ़ोन में सिर्फ 4 सेटिंग करनी है, उसके बाद दोस्तों यकीन मानना आपका जो फ़ोन का स्पीकर है इतना तेज़ बजेगा कि आप चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि वो कौन सी सेटिंग है जो आपको करनी है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन पैनल ओपन कर लेना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको साउंड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हर एक फ़ोन के नोटिफिकेशन पैनल में होता है, तो इस पर आपको ऐसे लॉन्ग प्रेस करके दबा के रखना है। अब जैसे ही दबा के रखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी सेटिंग्स ओपन होकर आ जाएंगी, तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना और नीचे यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट के नाम से सेटिंग मिलेगी, तो यहाँ पर आना है। अब दोस्तों यहीं पर आपको चारों सेटिंग्स करनी होंगी। तो सबसे पहली सेटिंग आपको फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगी, जिसका नाम है डॉल्बी एटमॉस की। अब दोस्तों ये सेटिंग हर एक फ़ोन में होती है आज की डेट में, और ये सेटिंग बंद होती है। अब दोस्तों ये सेटिंग अगर आप बंद करके रखेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि इससे आपकी स्पीकर की आवाज़ है वो धीमी होती है, साथ ही आवाज़ मतलब काफ़ी फटी फटी सी खराब क्वालिटी में आवाज़ आती है। तो अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर देंगे, उसके बाद दोस्तों आप इस पर टैप करेंगे और आपको क्या करना है, अगर ये ऑटो पर सेट होगा तो इसे आपको म्यूजिक पर सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर आपको म्यूजिक पर रखना है। उसके बाद दोस्तों आप जब भी अपने फ़ोन पर कोई गाना बजाएंगे, वीडियो पर कोई मूवी वगैरह कुछ भी देखेंगे, तो यकीन मानना दोस्तों आपके फ़ोन का ऑडियो का एक्सपीरियंस है बिल्कुल अलग ही लेवल का सुनाई देगा, क्योंकि ये इतनी गजब का फीचर है। अब इसके बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन में सेकंड नंबर की सेटिंग करनी है। तो दूसरे नंबर की सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस इक्वलाइजर वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, आपका नॉर्मल, पॉप, क्लासिक, रॉक, जग, तो किसी पर सेट होगा, तो इस पर आपको क्या करना है कि आपको ऐसे कस्टम पर सेट कर देना है। और आपको कस्टम पर सेट करने के बाद क्या करना है, ये सभी कर्सर जो हैं आपके नीचे होंगे, तो इन सभी को दोस्तों आपको 100% फुल पर कर देना है। ऐसे इस तरीके से इन जितने भी हैं यहाँ पर, इन सभी को फुल कर देना है। इससे दोस्तों आपकी आवाज़ का जो स्पीकर का बेस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, साथ ही आपकी आवाज़ भी वॉल्यूम बूस्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको बाहर आना है, और अब यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी USQ अपस्केलर। अब ये सेटिंग भी दोस्तों बाय डिफॉल्ट बंद ही होगी आपके फोन में, तो इसे भी आपको ऑन करके रखना है। अब यहां पर दोस्तों अगर आप इस सेटिंग को बंद करके रखते हैं तो यहां पर आप देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा है कि इनहेंस द साउंड रेजोल्यूशन ऑफ म्यूजिक एंड वीडियोस फॉर ए क्लियरर लिसनिंग एक्सपीरियंस। मतलब दोस्तों अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आप को जो है, आप चाहे ऑडियो सुन रहे हो, ऑडियो सॉन्ग सुन रहे हो या वीडियो देख रहे हो, उस पर दोस्तों आपको एक अलग ही क्वालिटी का एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही गजब की आवाज़ आपके फ़ोन के स्पीकर से आएगी। अब ये 3 सेटिंग दोस्तों आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब आपको अपने फ़ोन के अंदर
चार नंबर की और सबसे लास्ट में सेटिंग करनी है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एडाप्ट साउंड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको एडाप्ट साउंड फॉर की सेटिंग मिलेगी, तो इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर ओनली कॉल्स या ओनली मीडिया पर सेट होगा, तो इसे आपको मीडिया एंड कॉल्स दोनों पर सेट कर देना है। अब इससे दोस्तों आपका जो मेन स्पीकर है और जो कॉल वाला स्पीकर है दोनों स्पीकर की आवाज़ दोस्तों बढ़ जाएगी। उसके बाद अब लास्ट में आपको अपने स्पीकर को बूस्ट करने हैं, तो यहाँ पर आपके फ़ोन में नीचे ऑफ पर सेट होगा, नो बूस्ट ऑफ पर, तो इसे आपको क्या करना ओवर 60 ईयर पर सेट कर देना है। अब इससे दोस्तों आपके फ़ोन ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे कोई 60 साल का बूढ़ा होता है तो उसे कम सुनाई पड़ता है, तो आपको उसके सामने लाउडली बोलना पड़ता है, तो ठीक वैसे ही आपका फ़ोन मतलब लगेगा कि कोई 60 ईयर ओल्ड जो सुन रहा है, तो काफ़ी तेज़ आपके फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ आएगी। तो बस दोस्तों ये चार सेटिंग आपको कर लेनी है, उसके बाद आपको यहाँ से बाहर निकल आना है और अब आप अपने फ़ोन पर चाहे यूट्यूब पर कोई वीडियो प्ले करिए, सॉन्ग प्ले करिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके स्पीकर से कितनी ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ आती है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।